नमस्कार, मैं प्रशंसा, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। तो जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि मूवी जो है 370 आज रिलीज हुई है, तो हम लोग हैं जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। आइए लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं उनसे जो मूवी देख के अभी जस्ट निकले हैं थिएटर से, कि उन्हें पिक्चर कैसी लगी और उस मूवी को लेके उनके क्या रिव्यूज हैं, क्या विचार है। तो कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। हाँ, गवर्नमेंट का अच्छा निर्णय। ओके, इस 370 के बारे में आप इससे पहले जानते थे या मूवी देख के आपको पता चला? जानते थे 370 के बारे में। अच्छा, तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ऐसी मूवी बनने से जो है समाज में नफरत फैलेगी। नहीं, अवेयरनेस राष्ट्र के प्रति प्रेम। ओके, आपको कैसी लगी सर पिक्चर? अच्छी पिक्चर है। ओके, कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह और मोदी जी की जो इसमें एक्टिंग जो हुई है उसके ऊपर? सब कलाकारों ने अच्छी एक्टिंग करी है। मूवी बहुत अच्छी है, लिटरली गूज बम्स आ गए थे। आई थिंक ऐसी मूवीज आनी चाहिए, बिकॉज हमें सिर्फ यही पता था पहले जब ये आर्टिकल पास हुआ था कि ठीक है आर्टिकल पास हुआ है, बट इसके पीछे जो मेहनत है एक्चुअली जो हमारी गवर्नमेंट ने की है, जो CRPF के शोल्डर्स ने की है, वो कमेंडेबल, लाइक वाव है, सल्यूट है ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे शोल्डर्स को जो इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। ओके, लोगों का कहना ऐसा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस चक्कर में जो है सरकार का ये जो है एक मूव है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, कहने तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट आज की जनरेशन जिसको एक्चुअली में पता है कि क्या हो रहा है वो सब अवेयर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने जिसको जिताना है, जिसको वोट देना है, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आगे जो होगा वो लोगों को पता ही है क्या होना है। ओके, शो फुल था या कैसे? हाँ, शो हाउसफुल था। यस, हमने भी एक्चुअली, मैं मूवीज़ बहुत कम देखती हूँ, बट जैसे अभी लाइक ऐसी जो भी मूवी आती है तो मैं हमेशा आना पसंद करती हूँ। कम से कम 100 वकीलों का दिमाग लगा होगा इस 370 को हटाने के लिए, और जो काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने वो वेरी अप्रिशिएबल। मतलब इतना अच्छा, इतना मुश्किल काम था, उसमें कितने क्लॉज डाले थे, जैसे 357D हटाना सरकार का, उसको लेके आना, उसको फिर कैसे एक प्रोटोकॉल के तहत धीरे 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 करके नंबर वाइज कानून हटाए गए और उनको फिर सारे कानून को हटाया गया। बहुत मुश्किल काम था, और जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने रोल किया है, अरुण गोयल जी बेस्ट, और जो डायरेक्टर जो थे, मतलब उनकी तारीफ इतनी अच्छी है कि मतलब एक होता है ना, आप जो इतनी कठिन चीज़ को समझाना इतना मुश्किल होता है, वो डायरेक्टर ने बड़ी सूदिंगली पूरा एकदम ख़त्म कर दिया। उन्होंने समझाया, मतलब कॉमन पर्सन को आराम से समझ आ जाएगा कि 370 हटाने के लिए कितनी मेहनत लगी थी और लगी है, और कश्मीर अपना है, ये अब खुशी लगती है इस मूवी को देख के भी और पहले भी। अच्छा, लोगों का कहना है कि प्रोपेगेंडा के तहत मूवी रिलीज की गई है। प्रोपेगेंडा जिसको जो लगे, देखिए सीधी बात है, राष्ट्रहित के लिए अगर जो भी कदम उठाया जाए उसमें हमें अपना समर्थन देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये मूवी पहली ऐसी मूवी बनी है, ऐसी कई मूवियाँ बनी है जिसमें सरकार का काम दिखाने के लिए मूवी बनाई गई थी। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर ये राष्ट्रहित के लिए कोई भी समाज में अगर जागरूकता ला रहा है 370 हटाने के लिए, कितनी मेहनत कर रही है, कितनी सरकारों ने क्या बलिदान दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत वाली बात है। इस पर कोई अगर प्रोपेगेंडा कहता है, मैं उसके राष्ट्रहित के सोच पर एक प्रश्न उठाना चाहूँगा और कुछ नहीं। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि देश का हर एक नागरिक ये मूवी ज़रूर देखे, जिससे आपके अंदर ये जागरूकता है कि ये मूवी आती कैसे है, मूवी बन रही है लेकिन वो कानून कैसे पास होता है, उसको कैसे समझाया गया है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, जिससे और कहते हैं कि मूवी हमारे समाज का आईना होती है, समाज में जो कुछ चल रहा है वो हमें मूवी से ही पता चलता है। तो ये अगर हमें इसके 370 के बारे में जानना, तो मूवी जैसे आप देखोगे तो आपके इससे बहुत आसानी से समझाया जाएगा। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया और एक्टर वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे एक्टिंग तो बढ़िया थी, जिससे लोगों को बता रहे, लोग 3 घंटे इस मूवी को 2.5-3 घंटे आराम से देख पाएंगे, वो 1 मिनट भी मुझे लगता नहीं कि बोर होगा। और जो कुछ भी जो आज की यूथ है, जैसे वो चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट वैसा को अगर कुछ देखना चाहे तो वो भी आपको इसमें मूवी मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे अमित शाह जी के बारे में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो भी बहुत अच्छी की है, और खासकर मैं यामी गौतम का फैन हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ऐसे मोदी सरकार की इस बार की गारंटी पक्की हो गई है कि इस बार 400 पार। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।